हाय गाइस, आपका स्वागत है द न्यूटिकल चैनल पे। मेरा नाम है नीताशा सिंह और आज मैं करूंगी अनबॉक्सिंग हमारे ओप्पो के F19s की, जो कि हमें मिलता है गोल्ड एडिशन में। तो ये रहा हमारा डिवाइस ओप्पो की तरफ से ग्लोइंग गोल्ड कलर में F19s, जो कि है हमारा 20,000 रुपए के प्राइस में डिवाइस। इसका 6GB 128GB वाला वेरिएंट, हालांकि इसके ऊपर आपको कार्ड डिस्काउंट भी मिल सकता है। अब ये जो डिवाइस है, ये एक स्पेशल दिवाली एडिशन है जो कि ओप्पो लेकर आया है। और आइडिया वाइज देखा जाए तो गोल्ड कलर कंसेप्ट मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको गोल्डन कलर बहुत पसंद आता है, तो उस हिसाब से नई चीज करी गई है। आप यहाँ पे सारे डिवाइसेज अगर देखेंगे तो उनके अंदर हमें ब्लैक, व्हाइट या फिर ब्लू के ही शेड मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे गोल्डन कलर में देखने में डिवाइस हमारा डिफरेंट लग रहा है। हालांकि इस डिवाइस के अंदर हमें जैसे कि प्लास्टिक बॉडी मिलती है, प्लास्टिक फ्रेमिंग मिलती है, तो उसकी वजह से इस डिवाइस के अंदर आपको वैसी फिनिश और लुक नहीं मिल रही है जो हमारी मतलब गोल्ड वाली होती है। यहाँ पे डिवाइस के अंदर आपको अगर हाथ में होल्ड करके आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे येलोइश गोल्डन कलर यहाँ पे देखने को मिलता है, वैसा इफेक्ट नहीं मिल रहा। मतलब प्लास्टिक बॉडी होने की वजह से बैक से में जो मैट फिनिश आ रही है वो उतनी बढ़िया नहीं लग रही, थोड़ी सी लो क्वालिटी की लग रही है। मतलब अगर ये डिवाइस हमारा ग्लास बॉडी में होता तो ये एकदम फायरिंग लुक में नजर आता। और आई थिंक ओप्पो रेनो 6 प्रो भी हमारा गोल्डन कलर में आया है, वो हालांकि बहुत ज्यादा ऊपर के बजट में है, लेकिन उसका गोल्डन कलर इससे बहुत बेटर लग रहा है क्योंकि उसके अंदर हमारे पास ग्लास बॉडी है। यहां पे हमें देने की कोशिश करी तो गई है गोल्डन कलर, लेकिन उतना बढ़िया नहीं लग रहा डिवाइस प्लास्टिक बॉडी होने की वजह से। वैसे देखा जाए तो डिवाइस हमारा काफी लाइट वेट है, सिर्फ 175 अप्रोक्सीमेटली इसका वेट है हमारा, और डिवाइस की थिकनेस भी हमारी काफी कम निकल के आती है, सिर्फ 7.95 mm की। तो उस हिसाब से देखा जाए तो डिवाइस आपको स्लिम लगेगा, लाइटवेट लगेगा, एक हाथ से आप इसको होल्ड करके आराम से यूज कर सकते हैं। इस डिवाइस के नीचे की साइड आप देख सकते हैं हमारे पास आ जाते हैं हेडफोन जैक आता है हमारे पास 3.5 mm वाला, उसके साथ हमारा माइक है, साथ ही हमारे टाइप सी केबल है, उसके साथ हमारी स्पीकर ग्रिल है। राइट साइड में हमारे पास पावर बटन है, टॉप साइड क्लीन है, और लेफ्ट साइड में हमारे पास सिम ट्रे है। उसके नीचे हमारे पास आ जाते हैं वॉल्यूम रॉकर्स। अब इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिए, ये जो हमारा डिवाइस है इसके अंदर आपको 5G सपोर्ट नहीं मिलता, तो ये डिवाइस हमारा फ्यूचर प्रूफ नहीं होता। इसके अलावा डिवाइस के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, जो कि हमारा काफी फास्टली वर्क कर रहा है। और आपको डिवाइस के बैक में यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, और फ्रंट में है हमारा पंच होल डिजाइन में सिंगल सेल्फी कैमरा। अब बैक में हमारे पास यहाँ पे गोल्डन डिजाइन है डिवाइस के अंदर, तो फ्रंट में हमारे पास डिस्प्ले के अंदर भी आपको कुछ गोल्डन वॉलपेपर्स यहाँ पे मिल जाते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारा डिवाइस का डिस्प्ले है वो काफी ब्राइट और कलरफुल नजर आ रहा है। हमें मिल जाता है यहाँ पे 6.43 inch का डिस्प्ले पंच होल डिजाइन में, जिसके अंदर आपको एमोलेड पैनल मिलता है, फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन मिल जाती है। रिफ्रेश रेट हमारा यहाँ पे 60Hz का ही है। मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो डिस्प्ले आपको बढ़िया लगेगा यहाँ पे यूज करने में। हालांकि इस बजट के अंदर अगर हम देखें, मतलब 20,000 रुपए के बजट में हमारे पास 120Hz का रिफ्रेश रेट हमें मिल जाता है डिस्प्ले के अंदर, लेकिन यहाँ पे हमें 60Hz का ही मिल रहा है। और मैं आपको बताऊं, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही, क्योंकि एक्चुअली जो कॉम्बिनेशन होता है LCD डिस्प्ले के साथ हमें जो 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है वो मुझे इतना मजेदार नहीं लगता। उससे बेटर ये है कि 60Hz के साथ एमोलेड जरूर मिले, क्योंकि कभी कभी आपको रिफ्रेश रेट की जरूरत पड़ेगी, कईयों को तो नहीं भी पड़ती जो ज्यादा ऐसे गेमिंग वेमिंग नहीं करते हैं, लेकिन जो डिस्प्ले के कलर्स है, जो ब्राइटनेस है, जो व्यूइंग एंगल्स है, जो सनलाइट परफॉर्मेंस है, वो आपको ज्यादा बेटर फील होगी एमोलेड डिस्प्ले के अंदर। तो इस डिवाइस के अंदर आप अपनी मूवीज वीडियोस को बहुत अच्छे से एंजॉय कर लेंगे, यहाँ पे ये चीज मुझे बढ़िया लगी। इसके साथ हालांकि जो हमारा डिवाइस का ऑडियो आउटपुट है वो मुझे इतना मजेदार नहीं लगा, क्योंकि हमें यहाँ पे मिल जाता है सिंगल स्पीकर नीचे की साइड, और यहाँ पे आप सुन सकते हैं इसका ऑडियो आउटपुट। आप देख सकते हैं कि बजट के हिसाब से हमें उतना तगड़ा ऑडियो आउटपुट नहीं मिल रहा, लेकिन ओके हम इसको कह सकते हैं। इसके साथ डिवाइस के अंदर आपको यहाँ पे अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो वो हमारी काफ़ी ख़राब है। मतलब उसे देखा जाए तो काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो गई मैं इस डिवाइस से। ये जो हमारा बजट होता है 20,000 रुपये के रेंज, इसके अंदर हमारे पास जो प्रोसेसर्स आते हैं, जैसे कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G आ जाता है, या फिर स्नैपड्रैगन का ही हमारे पास 860 भी आ जाता है, और मीडियाटेक के डायमेंसिटी 800U प्रोसेसर
हमें मिल जाती है, जो कि बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस हमें देते हैं इसके कंपैरिजन में। ये जो डिवाइस है हमारा, इसके अंदर आपको मिल रहा है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 662 प्रोसेसर, और ये प्रोसेसर एक्चुअल में बढ़िया नहीं है, अच्छा नहीं है। और ये प्रोसेसर मतलब आज की डेट में अगर मैं देखूं तो रेडमी के नोट 9 पावर में या फिर पोको के M3 में, जो कि हमारे 10,000 के नीचे के फोन हैं, उनमें आपको ये प्रोसेसर मिलता है। तो आप ओप्पो को मैं कहना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी कि ये प्रोसेसर आप 20,000 रुपए के बजट वाले डिवाइस में कैसे दे सकते हैं। मतलब आपको डिवाइस के अंदर एक्चुअल में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मिल रही है, बजट के हिसाब से तो कोई कंपटीशन है नहीं, बट जनरली भी देखूं मैं तो डिवाइस हमारा थोड़ा स्लो परफॉर्म कर रहा है। अगर आपको कोई भी ऐप को खोलना है तो उसमें आपको टाइम यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवाइस का एंटूतू स्कोर भी मैंने रन किया, उसमें भी हमारा 2,06,000 स्कोर आया है। मतलब 20,000 रुपए के बजट में ये स्कोर आप खुद ही हिसाब लगा सकते हैं कि आपको परफॉर्मेंस कैसी मिल रही है। इसके अलावा आपको जो मैंने स्टोरेज टेस्ट रन किया वो भी हमारा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। आपको यहाँ पे 511 Mbps की रीड स्पीड मिलती है और उसके साथ हमारी 250 Mbps की अप्रॉक्सीमेटली आपको राइट स्पीड मिलती है। मतलब डिवाइस के अंदर आपको एक्चुअल में रैम की बात करूं, मैं स्टोरेज की बात करूं या परफॉर्मेंस की, प्रोसेसर की बात करूं, तो ये सब कुछ हमारा स्लो है, जिससे आपकी ओवरऑल वर्किंग पे इफेक्ट पड़ेगा। BGMI गेम मैंने यहाँ पे ऑन करी और उसके अंदर हमारे को स्मूथ ग्राफिक के मीडियम फ्रेम रेट पे गेम रिकमेंडेड थी, इससे ऊपर बैलेंस किया तब भी हमारा मीडियम फ्रेम रेट पे ही रह गई। तो उस हिसाब से देखा जाए तो गेमिंग करने में भी यहाँ पे थोड़ा लैग और स्टटरिंग देखने को मिल रही थी मुझे। और अभी देखा जाए तो ये डिवाइस हमारा नया है, जब आप कुछ टाइम डिवाइस को यूज़ कर लेते हैं उसकी हमारी मेमोरी थोड़ी फिलअप हो जाती है तो और परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम हो जाती है। तो डिवाइस जब हमारा अभी ही इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो आगे क्या परफॉर्म करेगा। तो परफॉर्मेंस के मामले में तो मुझे ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं लगा। इसके बाद अगर हम बात करें डिवाइस के यहाँ पे कैमरास के बारे में, तो कैमरास वैसे देखा जाए तो ओप्पो हमेशा ही अपने कैमरास के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे कैमरास भी आपको बिलो एवरेज लगेंगे। सबसे पहले आपको सेटअप बताती हूँ, 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप है हमारे पास बैक में, जिसमें जो मेन 48 वाला है उसके अंदर आपको मिल जाता है ओमनी विजन का हमारा OV48B सेंसर। मतलब इस बजट के अंदर हमें या तो सोनी का सेंसर मिलना चाहिए था, बट एटलीस्ट सैमसंग भी मिल जाता तो चल जाता, लेकिन आपको ओमनी विजन का सेंसर मिल रहा है, जिसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्स के अंदर आपको मजा नहीं आएगा, आपको उतनी अच्छी डिटेलिंग यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। मतलब क्वालिटी की मैं बात करूं तो वो हमारी इतनी बढ़िया निकल के नहीं आ रही, क्योंकि प्रोसेसर भी हमारा छोटा है यहाँ पे, तो इमेज प्रोसेसिंग क्या आपको बेटर मिलेगी। इसके बाद हमारे पास वाइड एंगल नहीं है इस डिवाइस के कैमरा सेटअप में, जो कि मुझे लगता है आज की डेट में बहुत ही जरूरी है। चलो वो नहीं दिया, लेकिन जो दिया वो भी अच्छा नहीं दिया, क्योंकि 2-2 मेगापिक्सल के आगे आपको डेप्थ सेंसर और मैक्रो शॉट मिल जाता है, और 2 मेगापिक्सल के हमारे जो कैमरास होते हैं वो क्या ही डिटेलिंग कैप्चर कर लेंगे, वो तो बिल्कुल वेस्ट होते हैं। मतलब आपको एकदम सॉफ्ट इमेजेस यहाँ पे देखने को मिलती हैं, जिसको कि आप बिल्कुल भी कहीं पे भी यूज नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सेल्फी कैमरा के बारे में, तो यहाँ पे वो तो हमारा ओके है, क्योंकि जो हमारा रियलमी भी यूज करता है इस बजट के अंदर 16 मेगापिक्सल का IMX471 सेंसर के साथ, वो आपको मिल जाता है। तो सेल्फी कैमरा मुझे इस डिवाइस का ठीक लगा। आप यहाँ पे सैंपल्स देख सकते हैं कि उसके अंदर हमारी पिक्स के अंदर आपको काफी ठीक स्किन टोन मिल जाता है, एक्सपोजर अच्छे से मेंटेन कर रहा है, कुछ फिल्टर्स मिल जाते हैं यहाँ पे, ब्यूटी इफेक्ट्स मिल जाते हैं, और उसके साथ आपका एज डिटेक्शन भी अच्छा आ रहा है। लेकिन हमारा जो सेल्फी कैमरा का वीडियो है उसके अंदर भी दोबारा से आपको बैकग्राउंड के अंदर काफी ज्यादा ब्लोन आउट देखने को मिलेगा। बैकग्राउंड मतलब बैकग्राउंड डिटेलिंग को कैप्चर नहीं कर पाता कैमरा, वैसे सेल्फी कैमरा का वीडियो हमारा थोड़ा स्टेबल है। लेकिन इसके अलावा हमारा जो बैक कैमरा का वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं कि वो भी आपको स्टेबल तो लगेगा, उसके अंदर आपको कलर्स भी ठीक मिलेंगे, लेकिन कैमरा हमारा इतना अच्छा नहीं है तो उसके अंदर आपको क्वालिटी वाइज इतना बढ़िया नहीं लगेगा हमारा वीडियो। इसके अलावा डिवाइस के अंदर हमारे पास 5000 mAh की बैटरी आ जाती है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन हालांकि कहाँ यूज़ करेंगे आप इसको। इसके साथ बॉक्स के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें मिल जाता है 33 W का फास्ट चार्जर। अच्छी बात है कि डिवाइस को आप फटाफट से चार्ज यहाँ पे कर सकते हैं। साथ ही आपको इस डिवाइस के अंदर टाइप सी केबल मिल जाती है, उसके साथ हमारी इंजेक्शन पिन आती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स आते हैं, हमारे पास यहाँ पे बैक केस भी आ जाता है, जो कि हमारा ट्रांसपेरेंट शेड में है, तो आप इसको डिवाइस के ऊपर लगाएंगे तो आपको तब भी डिवाइस पूरी तरह नजर आएगा। उसके साथ अच्छी चीज़ ये है कि आपको ईयरफोन्स मिल जाते हैं बॉक्स के अंदर ही, तो आप अपने म्यूजिक एंटरटेनमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो ये था हमारा ओप्पो की तरफ से F19s, जो कि मुझे उतना बढ़िया डिवाइस नहीं लगा। मतलब एक्चुअल में 20,000 रुपए के हिसाब से ये डिवाइस मुझे वेस्ट लगा है, क्योंकि इसके अंदर आपको परफॉर्मेंस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डिवाइस की, वो ही अच्छी नहीं मिलती। मतलब परफॉर्मेंस कैसी है, प्रोसेसर कौन सा दिया गया है, उसी से सब कुछ डिपेंड करता है कि आपके कैमरा की इमेज प्रोसेसिंग कैसी आएगी, आपके डिवाइस का बैटरी बैकअप कैसे आएगा, आपके डिस्प्ले के अंदर आपको कैसे मूवीज वीडियोस को आप एंजॉय कर पाएंगे,
सारी वर्किंग, कोई एप्स चलानी हो वो कितनी स्पीड में चल रही है, कितनी स्लो चल रही है, अपलोडिंग टाइम कैसा है, सब कुछ डिपेंड कर जाता है हमारे प्रोसेसर पे। और प्रोसेसर हमारे इस डिवाइस का बिल्कुल भी अप टू द मार्क नहीं है, काफ़ी छोटा पुराना प्रोसेसर हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ यहाँ पे गोल्ड कलर लेकर आया है हमारे पास ओप्पो, और उसमें भी मुझे लगता है कि अगर आपको इसी बजट पे थोड़ा अलग सा डिवाइस चाहिए तो रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे ब्रॉन्ज कलर आया था, वो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था देखने में, वो बेटर रहेगा क्योंकि इसके अंदर प्लास्टिक बॉडी होने की वजह से उतनी बढ़िया फील और लुक आपको नहीं देखने को मिल रही। मतलब ओप्पो का रेनो 6 प्रो के अंदर जो ग्लास बॉडी में दिया है वो बेटर लग रहा है, फिर भी देखा जाए इसके कंपैरिजन में ये उतना बेटर नहीं लग रहा है, लेकिन वो फिर बहुत ऊपर के बजट में चला जाता है तो उसका क्या मैं बात करूं यहाँ पे। तो ये था हमारा डिवाइस जो कि मुझे एक्चुअल में देखा जाए तो बजट के हिसाब से डिवाइस बिल्कुल भी सही नहीं लगा, बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं लगा। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे इस फोन से रिलेटेड। और फटाफट से चैनल को करें सब्सक्राइब क्योंकि आगे आपके लिए काफ़ी मज़ेदार वीडियोस आने वाले हैं।